वेलकम टू शेयर गुरु दोस्तों, आज इस एपिसोड में सबसे इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर बात करते हैं और वो है मोदी जी का और इस कंट्री का सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो काफी दिनों से चर्चा में था, एंड दैट वाज द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट अहमदाबाद से मुंबई के लिए जो कंप्लीट किया जाएगा विद इन द वेल एग्जीक्यूटेड टाइम, तो यहां पे इसकी बाल की खाल निकाली जाती है कि गुजरात के आने वाले इलेक्शंस में ये एक वन ऑफ दी एक्शंस है मोदी जी का। तो मैं ये कहूंगा कि हर चीज को इलेक्शन से ना जोड़ा जाए और हर चीज में बाल की खाल को ना निकाला जाए। यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इनफैक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, और जब हम चाइना की बात करते हैं तो आज जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ले किया है, तो उस जमाने में जो इन्होंने ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ले किया, इट वॉज एट अ वेरी हाई प्राइस, दे पेड अ वेरी हेवी कॉस्ट बिकॉज दैट टाइम द मेटल प्राइसेस वर एट इट्स पीक प्राइस। उसके बाद आपकी एनर्जी प्राइसेस, ऑयल वॉज एट द हाइएस्ट प्राइस, हमने ऑयल की प्राइसेस देखी एट $147 अ बैरल। लेकिन आज इंडिया को सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मेटल प्राइसेस आर एट द लोएस्ट, वेदर इट इज एल्युमिनियम स्टील, कोबाल्ट, निकल, जिंक, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मेटल्स जो एलएमई पे ट्रेड होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने देखा कि ऑयल प्राइसेस आने वाले समय में, मैं तो नहीं देख रहा हूं कि $100 को पार कर जाएंगे। सो टुडे वी हैव द एडवांटेज की और क्रूड इज एट 48-50 और इसी प्राइस के ऊपर होवर करेगा। तो जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले करेंगे दैट इज एट द चीपेस्ट कॉस्ट, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपको। उसके बाद दूसरी चीज ये कहूंगा कि जो जापान ने जो हमारे को लोन दिया है, इट इज नॉट इवन 1%। इसको अगर आप रिलेट करें न्यू दिल्ली मेट्रो के साथ, तो आज मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी दोस्तों जिस तरीके का बवाल इस प्रोजेक्ट के ऊपर हुआ, आई एम अहमदाबाद ने स्टडी की, किसने बोला इनको ये स्टडी करने के लिए, क्या ऑब्जेक्टिव था उसका, और उसके बाद पेपर में सिर्फ उसकी सुर्खियां आती है कि उसको 100 ट्रिप्स करेंगे तो तब आपकी कॉस्ट कंप्लीट होगी। यहां पे ये मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, यहां पे एक एग्जांपल आपको बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि इन सुर्खियों को मत पढ़िए, हेडलाइंस जब आप पढ़ते हैं तो वहीं पर आप मार खाते हैं। पेपर में जब एक आर्टिकल छपता है तो एक चीज हमेशा याद रखिए, हेडलाइन और कोई लिखता है और आर्टिकल जो उसका कॉन्टेंट होता है वो लिखने वाला और कोई होता है। आप लोग फाइन प्रिंट्स पढ़ते नहीं है, सिर्फ उसकी हेडलाइन को पढ़ते हैं और हेडलाइन के पढ़ने के बाद आपको लगता है मुझे पूरा सब्जेक्ट याद आ गया। व्हाट आई वुड सजेस्ट टू पीपल इज यू शुड रीड द फाइन प्रिंट्स ऑफ द आर्टिकल। मेट्रो प्रोजेक्ट भी जब शुरू हुआ था दिल्ली में, लोगों ने बवाल मचाया था, लोगों ने कहा था अरे जब दिल्ली के सड़कों पर जब बसेस चल रही है तो क्या खराबी है, बसेस को बढ़ा दीजिए, लोगों के पास गाड़ियां हैं, लोग अपनी गाड़ियों से कवर करेंगे डिस्टेंसेस को। लेकिन जब यह प्रोजेक्ट हुआ, इसके ऊपर भी बवाल हुआ, और जब यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ फर्स्ट स्टेज में, बड़ा ब्यूटीफुली किया, इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो देता हूं श्रीधरन जी को, द मैन इनफैक्ट हु इंप्लीमेंटेड कोकण रेलवे, ऑल्सो कंप्लीटेड द मेट्रो प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया उन्होंने इसको कंप्लीट किया। आज आप देखिए जो अमीर आदमी है दिल्ली में, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, ही स्ट्रगलिंग इन हिज ओन कार्स, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक जाम होते हैं तो उसमें खुश है। लेकिन आज आम आदमी दिल्ली का इस प्रोजेक्ट का फायदा ले रहा है, एसी कोचेस में घूमता है और अपने सारे काम को करता है। तो यहां पे द बेनिफिट गोज टू द आम आदमी। तो यहां पे बाल की खाल निकालते हुए सभी ने इसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन आज सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड लुक एट, जब आपको जापान ने ये लोन दिया और ऐसा लोन दिया कि आपको 1% से भी कम चार्ज कर रहे हैं, तो इसमें फिर आपको दुख क्या है, एटलीस्ट यू यूटिलाइज दैट मनी एंड गेट दैट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड। और यह बता दूं कि खाली इसके ऊपर खाली क्रिटिसिज्म नहीं आया, जब मेट्रो प्रोजेक्ट जब शुरू हो रहा था, आज आप देखिए कितना एक्सपेंशन हो रहा है, नए लूप्स ऐड हो रहे हैं। अब टुडे मैं देख रहा हूं कि हाउसकास्ट से जनकपुरी एक सेपरेट लाइन आप बिछा रहे हैं, जनक पे पता नहीं अब जनक पिक्चर हॉल है कि नहीं, तो जाके देखिए वहां पे सिनेमा देखिए जनकपुरी में जाके। उसके बाद फिर आपका स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट जो फोर्टिस है, उसके बाद देन कनेक्टिंग टू नोएडा। तो देखिए आई मीन व्हाट अ फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीन लेड, लोग बड़े खुश है, आम आदमी बड़ा खुश है। अब आपको कैनॉट प्लेस से T3 टर्मिनल पे जाना है, आपको इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है, कोई इसकी फ्लाइट पकड़नी है, अगर आप अपनी गाड़ी से जाएंगे शाम को तो आप तो उसमें अटक जाएंगे, फ्लाइट आपकी मिस हो जाएगी। जो सेपरेट लाइन आप उसकी चला रहे हैं, लुक एट द आर्किटेक्चरल मार्वल, नॉर्मल मेट्रो के ऊपर फिर एक ब्रिज आता है, ब्रिज के ऊपर उन्होंने इलिवेट करके उस मेट्रो स्पेशल मेट्रो को चला रहे हैं जो एयरपोर्ट से T3 से कनेक्टेड है। लुक एट द आर्किटेक्चरल मार्वल एंड कितने स्टेशन है, 3 या 4 स्टेशन है, उसके बाद आप सीधा T3 पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करके दिया है, पीपल आर यूजिंग इट, पीपल आर वेरी हैप्पी, एंड द सेम पीपल एट द इनिशियल स्टेजेस वो क्रिटिसिज्म करते हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल एनालिसिस को निकाल दीजिए। इसी तरह इसको मैं रिलेट करता हूं टेलीकॉम के साथ। जब टेलीकॉम में जब हमारा मोबाइल टेलीफोन आया तो सभी ने कहा अरे क्या करेगा, कितने अमीर लोग हैं, कितने के पास गाड़ियां हैं और कितने लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आपने देखा टूडे जो पेनिट्रेशन हुआ है मोबाइल्स का,
आज प्रैक्टिकली एवरी पर्सन इज गॉट अ मोबाइल टेलीफोन, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन है। आप उसका एप्लीकेशन देखिए, उस जमाने में लोग कहते थे अरे ये तो बिल्कुल बेकार है, MTNL के डब्बे ये सबसे बढ़िया है। तो ये जो चेंज आता है, सबसे शुरुआत में हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं लोग, लेकिन बाद में उसको आपको एडवांटेजेस गिरते हैं, आपको उसको समझ आते हैं। यहां पे मैं ये कहूंगा कि आई अहमदाबाद ने जाके चाइना को नहीं बोला कि अरे तुम्हारे को 100 ट्रिप्स करनी पड़ेंगी जब तुम जाके ये करोगे। आज आप ये देखिए कि मैं समझता हूं 60,000 से 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट में, जिस तरीके का एक्सपेंशन हो रहा है यहां पे दोस्तों, कैपिटल कॉस्ट तो आपकी कभी रिकवर हो नहीं सकती है, तो कैपिटल कॉस्ट को तो आप लकीर मार दीजिए, लेकिन ऑपरेशनल प्रॉफिट आपको होना चाहिए, प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशन। तो जो वो होता है तो दैट प्रोजेक्ट इज वाइबल। अगर आप कैपिटल कॉस्ट के हिसाब से जाएंगे तो दैट प्रोजेक्ट विल बी इकोनॉमिकली अनवाइबल होगा, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, फिर पेड़ के नीचे बैठ जाइए और फिर अंगूर खाइए। देन व्हाई टॉक अबाउट डेवलपमेंट, दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। टेलीकॉम में भी ऐसे ही हुआ, और आप देखिए क्या रेवोल्यूशन किया इन्होंने आज टेलीकॉम इंडस्ट्री में। वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट इन टेलीकॉम, हम अमेरिका से भी टेलीकॉम में आ गए हैं। उनके पास दे यूज टू हैव एनालॉग टेक्नोलॉजी एंड वी हैड द मोबाइल टेक्नोलॉजी। लेकिन आने वाले समय में विल बी अ वर्ल्ड पावर। 2030 में 40 में मैं तो शायद नहीं रहूंगा वो देखने के लिए, लेकिन ये बता दूं कि आपके जो यंग बच्चे हैं, इंडिया विल हैव द परमानेंट मेंबरशिप, हमारे पास भी वीटो पावर होगी एंड विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर। तो यहां पे ये देखते हुए मैं ये कहूंगा कि इसकी बाल को ज्यादा इसकी खाल ना निकाली जाए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट। जब ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा तो उसके बाद आप ये देखिए कि बाकी की स्टेट्स भी डिमांड करेंगी कि भैया ये बुलेट ट्रेन चलाइए फ्रॉम हैदराबाद टू दिस प्लेस, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू दिस, देन व्हाई नॉट हैव अ सेपरेट कॉरिडोर फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, जैसे राजधानी चलती है। आपने देखा जो टैल्गो ट्रेन आप स्पेन से लेके आए, कितना बढ़िया सक्सेसफुल हुआ। अब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे सुरेश प्रभु जी ने जो स्पेशल तेजस एक्सप्रेस चलाई, कोंकण रेलवे के ऊपर भी ऐसे ही बवाल हुआ, लोगों ने कहा कोंकण रेलवे को आप ये कर रहे हैं। आज आप देखिए हाउ फैंटास्टिक दैट प्रोजेक्ट इज बीन इंप्लीमेंटेड और कितना आपने बढ़िया इसको ये किया। उसी तरह जब आज मोदी जी ने सरदार सरोवर को भी जब उसके ऊपर चले और कुछ वो पार्ट को कुछ वो किया, तो उसके ऊपर भी बवाल हुआ था सरदार सरोवर के ऊपर कि ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा। लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट 80 million hectares ऑफ लैंड गेटिंग इरीगेटेड, पूरे किसानों को पानी मिलता है पीने के लिए, इरीगेशन के लिए आपको पानी मिलता है। तो दिस इज नॉट ओनली अ डैम विच यू आर कंस्ट्रक्टिंग बाय इंक्रीजिंग द हाइट, इट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो हमने कॉपी किया टेनेसी वैली अमेरिका से। भाखड़ा नंगल इज ऑल्सो अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसको खाली इतना छोटे इसमें मत देखिए। दोस्तों एक चीज याद रखिए, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। और यहां पर मोदी जी बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि इससे बेहतरीन काम कोई कर नहीं सकता है आने वाले समय में। मैं समझता हूं इट इज गोइंग टू बी द गोल्डन पीरियड। और एक चीज हमेशा याद करिए कि गवर्नमेंट का जो रोल है, जो वो प्ले कर रहे हैं, कि आप हर्डल्स क्रिएट मत करिए। अगर ग्रोथ आ रही है तो डोंट क्रिएट एनी हर्डल्स ऑन द पाथ, कीप द पाथ वेरी क्लियर। अगर आपकी सड़क बिल्कुल स्मूथ है तो फिर आप टेक ऑफ कर जाएंगे। दैट इज व्हाट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इज ओनली सपोज टू प्रोवाइड ओनली फैसिलिटीज। आप उसको उनको बढ़िया फैसिलिटीज दीजिए, एंड दैट इज व्हाट द रोल व्हाट मोदी जी इज प्लेइंग। दोस्तों ये बता दूं, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था और आने वाले समय में भी सोने की चिड़िया रहेगा, और हम राज करेंगे पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो हमारे ऊपर राज किया। हमारी जो जनसंख्या है वो 125 करोड़ की है, एंड व्हेन वी हैव 100% लिटरेसी, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, दैट विल बी द वर्ल्ड पावर। और यहां पे मैं बता दूं कि जब ज्वाइंट वेंचर जब इन्होंने किया, उस जमाने में लोग बड़े खुश होते थे जब गाड़ियों में सिर्फ फियाट और एम्बेसडर होती थी। लेकिन जब ये ज्वाइंट वेंचर हुआ, ये जो कंपनी बंद पड़ी हुई थी, और इंदिरा जी ने कहा इस कंपनी को रिवाइव किया जाए, और जब सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन किया, अगर हम अटक जाते सिर्फ मारुति 800 तक और नए मॉडल्स नहीं लेके आते तो फिर समझिए क्या होता। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर हुआ इंडो जापान रिलेशनशिप का बिटवीन मारुति एंड सुजुकी, एंड देन यू रोल्ड आउट न्यू मॉडल्स, कितने ही लोगों ने इसमें ज्वाइंट वेंचर्स किए जापानीज कंपनीज के साथ, वेदर इट इज सोना कोयो, whether it is all you name the companies, इतने सारे ancillaries companies ने ये joint ventures किए। ये सारा हुआ because in fact you tied up for one product, so this is how the beauty of this is। तो यहां पर मैं दोस्तों कहूंगा, मुझे कोई doubt नहीं है कि ये देश आने वाले समय में सोने की चिड़िया ही बनेगा। हमारे इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उन पे व्हाट्सएप करें और जानिए अपने सवाल के जवाब।